हेलो क्लास, नाउ बेटा कंटिन्यूइंग द सेम डिवीजन वर्क। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं डिवीजन विथ टेबल ऑफ 8 and 9। तो सबसे पहले हम लोग 8 का टेबल राइट डाउन करते हैं। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80। 8 का टेबल राइट हो गया। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट प्रॉब्लम पे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं, यहाँ पे आपको डिवाइड करना है 104। 104 को डिवाइड करना है 8 से। ये 3 डिजिट है और ये 1 डिजिट है। तो 104 को आपको डिवाइड करना है 8 से। क्लियर? तो सबसे पहला डिजिट चेक करते हैं, ये है 1। तो 1 जो है 8 से स्मॉलर है। 1 जो है वो 8 से क्या है? स्मॉलर है। तो जब स्मॉलर है तो सेकंड नंबर भी चेक करेंगे। ठीक, सेकंड नंबर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 हो गया। अब आपको चेक करना है कि 8 के टेबल में कहीं 10 आता है, 10 या फिर 10 से कम। तो चलिए चेक करते हैं 10 या 10 से कम। नीचे से चेक करते हैं, पता है आपको 80 72 64 56 48 40 32 24 16 8। देखिए 10 तो मिला नहीं, लेकिन 10 से कम क्या है? 8। कितने टाइम पे है? 8 1 8, 1 टाइम में है। तो यहाँ राइट करेंगे हम लोग 1 और यहाँ राइट करेंगे 8। अब 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो आफ्टर 8 काउंट करते हैं। आफ्टर 8 9 10, कितना है? 2। तो यहाँ राइट किया 2 और ब्रिंग डाउन 4। 4 को हम लोग नीचे लाते हैं, ये हो गया 24। अब चेक करिए 8 के टेबल में 24 आता है कि नहीं। नीचे चेक करेंगे 80 72 64 56 48 40 32 24 24, मिल गया हमें 24। तो ये है 24, ये भी 24 है। कितने टाइम है? तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 3 टाइम है। तो हम यहाँ राइट करेंगे 3 और ये हो गया 24। माइनस करते हैं, 4 - 4 0, 2 - 2 0। ठीक, तो ये आपका हो गया रिमाइंडर, ये हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कितना आया आपका? 13 एंड रिमाइंडर कितना आया? 0 0। ठीक, ऐसे ही आप ये प्रॉब्लम जो है 112 को डिवाइड करना 8 से, ये आप खुद से करेंगे। ठीक, अब आइए 9 से डिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले 9 का टेबल राइट करेंगे। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90। ठीक, 9 का टेबल राइट हो गया। अब हम लोग अपने फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, जो है 153 को हमें डिवाइड करना है 9 से। 153 को डिवाइड करना है 9 से। तो सबसे पहला डिजिट चेक करेंगे, ये है 1। 1 जो है वो 9 से है स्मॉलर, छोटा है। तो हम सेकेंड डिजिट भी लेंगे, तो ये हो गया 15। अब आपको चेक करना है कि 9 के टेबल में 15 आता है या नहीं। तो चेक करिए भाई, 15 आता है कि नहीं। 15 या 15 से स्मॉलर नंबर 90 81 72 63 54 45 36 27 18 9। देखिए 15 तो मिला नहीं, लेकिन 15 से स्मॉलर क्या है? 9। कितने टाइम है? 9 1 जा 9, 1 टाइम है। तो यहाँ राइट करेंगे 1 और यहाँ राइट करेंगे 9। ठीक, और माइनस का साइन। अब देखिए 15 में से 9 को माइनस करते हैं तो आफ्टर 9 10 11 12 13 14 15। आगे 15, अब कितना है? इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, कितना आया? 6। तो हम यहाँ राइट करेंगे 6, ब्रिंग डाउन 3। 3 को नीचे लेके आते हैं तो ये हो गया आपका 63। अब चेक करिए 9 के टेबल में 63 आता है या नहीं। चेक करते हैं 90 81 72 63, ये हमें मिल गया यहाँ 63। कितने टाइम है 63? काउंट करते हैं 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63। कितने टाइम है? 7 टाइम है। तो हम यहाँ राइट करेंगे 7 और राइट करेंगे यहाँ पे 63 और करेंगे माइनस। 3 - 3 0, 6 - 6 0। तो आपका क्वेश्चन आएगा 17 और रिमाइंडर आया है 0। तो यहाँ राइट करेंगे क्वेश्चन इक्वल टू 17 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0 0।
ओके। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है 126, आपको इसको डिवाइड करना है 9 से, तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे। तो टू प्रॉब्लम्स है, एक 8 के टेबल से है और एक 9 के टेबल से डिवीजन करना है। ठीक है, अपनी कॉपी में सॉल्व करिएगा। थैंक यू क्लास।